यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। तो देखो आज मैं खेलने वाला हूँ GTA 5 भाई फर्स्ट टाइम, तो देखते हैं भाई क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। बाकी यार जो भी वीडियो पर नया है ना, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि भाई मैं तो भाई GTA 5 पहली टाइम खेल रहा हूँ। बाकी यार पहले के जो मिशन है भाई, दो तीन मिशन आते हैं उनको तो मैंने भाई कर दिया था, क्योंकि भाई GTA 5 समझ में भी आना चाहिए कैसे क्या खेलना है। चलो यार मैं फटाफट से देखता हूँ भाई। सबसे पहले तो ये फ्रैंकलिन है भाई, देख सकते हो फ्रैंकलिन, आप जानते ही होंगे भाई फ्रैंकलिन के घर में हूँ, देख सकते हो इधर गणेश जी की इधर मूर्ति रखी है घर में, इसका घर में दे देता हूँ थोड़ा बहुत। और यार इसकी साइज से ये वाइफ है, साइज से इसकी वाइफ बैठी है। और देखते हैं कि इसका भाई छोटा सा ये कूलर है कि हाँ कूलर है भाई, छोटा सा कूलर रखा है। और ये टेबल देख सकते हो ये रखा है। और GTA 5 भाई खतरनाक ही लगता है मेरे को तो भाई, मेरे को ना बहुत टाइम से भाई खेलने का मन था इसको भाई, पहली बार खेल पा रहा हूँ मैं इसको। ये बाकी साइज से वाइफ है कि इसकी भाई किसका रूम है भाई, दो दो रूम है साइज से इसके पास, देख सकते हो ये बाथरूम है। और ये भाई फ्रैंकलिन का, फ्रैंकलिन का जो भाई मतलब बेड है इस पे ही भाई वो सोता है। इसको एक बार सुला देता हूँ भाई फ्रैंकलिन को, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपको। तो देखो यार फ्रैंकलिन तो उठ चुका है, फटाफट से चलते हैं। बाकी के इसका मिशन है भाई, मिशन करते हैं और मिशन में क्या मिलता है सबसे पहले हम उसको देखते हैं। और बाकी के यार बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं, देख सकते हो भाई फ्रैंकलिन उठ चुका है। बाकी के इसका घर के सामने भाई कुछ ऐसा व्यू है और भाई क्या ही खतरनाक लग रहा है भाई GTA 5। भाई जो भी बंदा ना GTA 5 अभी तक नहीं खेल पाया तो प्लीज यार इस वीडियो को लगातार देखना, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आप खेलोगे ना GTA 5 उससे ज्यादा आपको मजा आएंगे वीडियो देखने में। प्लीज यार वीडियो को लाइक भी कर देना और जो बंदा चैनल बनाया है प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं GTA 5 में। देख यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजे आएंगे, क्योंकि भाई मैं ना फर्स्ट टाइम GTA 5 खेल रहा हूँ और बहुत ही मन था मेरा भाई GTA 5 खेलने का। तो मेरा फर्स्ट PC बनवाया ना उसमें भाई GTA 5 खेलने का ही इसलिए बनवाया था मैंने। तो भाई फटाफट से देखते हैं भाई ये कार लेते हैं सबसे पहले, तो फ्रैंकलिन के पास शायद कार भी पड़ी होगी। सबसे पहले फ्रैंकलिन के घर में देखता हूँ एक कार होगी, तो भाई उसी से मिशन पूरा करते हैं। जो भी मिशन मिलेंगे ना भाई उनको करना है हमको फटाफट, तो हमको देखते हैं भाई देखना है कि इधर हाँ इसमें कार होगी शायद से इसकी फ्रैंकलिन की, देखते हैं भाई। ये रखिए भाई फ्रैंकलिन की कार है भाई सबसे भाई, फिर भी मतलब ठीक ठाक है यार, हमको कार भी लेनी पड़ेगी एक नई बाकी की यार। देखते हैं इधर से सबसे पहले निकलते हैं इस कार को लेके, और उसके बाद भाई हमको मिशन भी करना है। देखो यार सबसे पहले इधर से जाते हैं, हम देख लेते हैं मिशन कहाँ कहाँ है भाई हमारे। भाई देखो यार मैंने मिशन को मार्क आउट कर चुका हूँ, और बाकी के यार देखते हैं कि मिशन पे जाके हमको कौन सा मिशन मिलता है सबसे पहले, तो देखते हैं। भाई साहब क्या मजा आ रहा है भाई इसमें चलाने में भाई कार को भाई, अरे बीच में आ जा भाई तू और सामने से ये सब ट्रैफिक। और भाई सब कौन पीछे लग गया भाई इधर ना GTA 5 की पुलिस ना बहुत ही भाई बहुत ही फास्ट है यार, ये फोन पीछे लग गया देख सकते हो, ये कार वाला भाई मेरे पीछे लगा है कि तुम्हें हाथ नहीं आने वाला वैसे तो। भाई इधर से ना फटाफट निकलता हूँ, वो साइड से मेरे पीछा कर रहा है भाई। ये ना हमको ये वाला मिशन है, इधर आना था इस जगह पे आना है हमको, तो ये पार हो चुकी है। बाकी के ये किसके पास जाना है भाई, इस टकले के पास जाना है साइड से मेरे को भाई। बोल रहा भाई वो भाई ये गंजा क्या बोलेगा भाई इससे। I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean a mentor? Don't worry about that. तो देखो अभी मैं हेडफोन लगाना भूल गया था भाई, फटाफट मैंने हेडफोन लगाया। और बाकी यार आपको एक चीज बता दूं कि भाई ये फ्रैंकलिन को ना एक मिशन दिया इसने इस गंजे ने, और भाई वो क्या बोल रहा है पता है कि भाई उसको एक कार चोरी करना है यार। और वो कार किसके घर में से चोरी करना है भाई, अगर जिसने भी GTA 5 पहले भी अगर देखा है जो वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा भाई किस घर से चोरी करना है। बाकी यार मेरे को तो पता है कि भाई GTA 5 में चोरी किस जगह सबसे पहले हमको करनी है भाई। सबसे पहले भाई ये ना गंजा चोरी करवाता है हमसे, और सबसे पहले मैं जाता हूँ कि भाई देख सकते हो भाई कार सामने से कार गई है भाई, खतरनाक लग रही थी वो भी स्पोर्ट कार थी। चलो यार फटाफट से पहले तो एक कार लग देते हैं इसको, पता नहीं भाई कौन सी कार की बात कर रही है बंदा। तो सबसे पहले चलते हैं भाई कार के, एक कार देखना भाई वो शायद से भाई मैं आपको बताऊंगा भाई कौन सा घर है। अभी मैं पहले आपको बता नहीं रहा हूँ कि भाई किसका घर है, आप देख के समझना। और जिसको भी भाई सबसे पहले फर्स्ट में अगर अभी आपको पता है ना कमेंट जरूर करना भाई वीडियो में मैं किसके घर जा रहा हूँ कार चोरी करने। बाकी किस गंजे का फिर से फोन आया है। When I discover that you betray me, perhaps I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. तो भाई चलो यार इसके लिए कार ला के देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कार ला के देंगे ना तो भाई सबसे पहले तो फ्रेंक, ये देख सकते हो भाई माइकल का घर है, जो बंदा समझ गया था ना जिसने कमेंट करी थी भाई वो बता देना भाई माइकल का घर है ये। तो इसमें घर में जाना है तो हमको भाई कार इधर ही पार्क करना पड़ेगा। बाकी इधर से फटाफट चलते हैं, देखना पड़ेगा भाई अंदर एक काम कर रहा है भाई एक बंदा। चलो इधर से आराम से जाते हैं, इसको पता नहीं चलने देंगे भाई, आराम से जाते हैं। और बाकी इसको पीछे से ना इसके मुंडी में भाई ऐसा दूंगा ना एक घूसा तो भाई इधर का जाएगा। तो फटाफट से इसके सर के इसके सर पे एक घूसा मारता हूँ, फटाफट से जाता हूँ भाई। ये काम करने को पड़ा पड़ा है और इसको ये दिया, ये ख़त्म हुआ भाई ये बंदा। अब चलो यार फटाफट से इसके घर में घुसते हैं माइकल के। भाई ये रहिए रे इतना सरल है भाई, इधर से जाना है और बस
भाई इसको कार को निकालो, ये अंदर रही है भाई, बोल सकते देख सकते हो भाई, येलो कलर की कार है, इसको खोलो फटाफट से। भाई ये खुल भी नहीं रहा यार, अंदर से बंद है भाई। इधर से आप घूम के चलना पड़ेगा मेरे को लगता है भाई, सामने से शायद से हम गेट खोल सकते हैं। तो इधर से ये गेट को भाई, ये भी लॉक है भाई, सारे सारे बंदे ने भाई, ये माइकल है ना भाई, इसने सारी सारी चीज़ बंद करके रखी है, गेट मेट ये अंदर ही होगा शायद से। हमको सबसे पहले हो सकता है भाई इस कार से चढ़ के निकल जाए, हमें ऊपर चलना पड़ेगा। तो चलो यार इस कार के ऊपर चढ़ते हैं और फटाफट से भाई इधर से ना उसके घर में घुसते हैं। और बाकी भाई अंदर किसी का झगड़ा हो रहा है शायद से, भाई इधर से अंदर चलते हैं फटाफट से भाई, बिल्कुल ना शांति से जाना पड़ेगा, बिल्कुल आवाज़ नहीं करना पड़ेगा। ये उसकी बेटी गई है शायद से, हाँ ये गई है। इधर कौन है भाई, किसकी आवाज़ आ रही है भाई? ये जिम्मी पड़ा है, देख सकते हो ये जिम्मी है ना, और बाकी के ये रही उसकी बेटी। तो इनको नहीं देखना है भाई, हमको फटाफट निकलना है। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं और चलो आराम से चलना पड़ेगा भाई, बिल्कुल आवाज़ नहीं करना है। और ये देख सकते हो भाई उसकी वाइफ भी है। मैं इधर से चलता हूँ भाई घूम के, इसको ना बिल्कुल भी पता नहीं लगने देंगे हम। और इनको ना ये लगा पड़ा है भाई, ये देखना ले भाई, फटाफट से निकलना पड़ेगा इधर से। भाई ये रही भाई इसकी कार, हमको कार लेना है और फटाक से निकलना है भाई, ये इनको पता करने से पता चल जाए उससे पहले। तो निकलते हैं तो भाई कार में, चलो यार ये कार, ये येलो वाली कार है भाई, इसको देना पड़ेगा भाई। उस गंजे का फोन आएगा, मैं लगाता हूँ उस गंजे को फोन, फिर भी पहले तो इधर से निकलता हूँ भाई। भाई इस गंजे को फोन लगाता हूँ मैं और फटाफट से इससे बोलता हूँ, कार तो मिलती है भाई, ठुक रही है भाई ये कार। If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. भाई निकलना पड़ेगा इधर से। ओ भाई साहब, ये भाई माइकल ना कार में था भाई, देख सकते हो ये बंदा कार में ही बैठा था भाई। ये बोल रहा है भाई कार चला नहीं तो भाई तेरे को तोड़ा दूंगा भाई। इधर से कार चलाना पड़ेगा मेरे को फटाफट और निकलना पड़ेगा भाई पहले। ये बंदा कार भाई मेरे को भाई कन्वर्टिबल भाई गन रख के रखी है भाई ये माइकल ने। भाई ये बंदा आया कहाँ से भाई? भाई निकलना पड़ेगा, ये देख सकते हो भाई गन ना सिर पे रख के रखी है इसने। ये बोल रहा है डायरेक्ट भाई कार चला नहीं तो तेरी मुंडी उड़ा दूंगा भाई। इसको पहले फटाफट से इधर से निकलता हूँ भाई। ये भाई चला 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 उड़ा देगा ये बंदा। चलो भाई चलना पड़ेगा भाई, ये बंदा भाई सिर उड़ा देगा अपना। फटाफट से लिख लो, he look legit to you? Look man, गन लगा कर रखी है भाई इस बंदे ने। चलो यार इधर से निकलते हैं, don't worry, डायरेक्ट जाते हैं भाई इससे गंजे की भाई शॉप पर चलते हैं। ओ भाई सब फूकी। Hey man, it's Jess up here. Okay, stop the car. Pull up. भाई इसने कार रुकवाई है भाई। चलो हमको निकलना है पहले फटाफट से, इधर देखते हैं भाई इसने कार रुकवाई है पहले से इधर। Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man. भाई ये बंदा बोल रहा है ना कार जाके भाई सीधा ग्लास में फोड़ना पड़ेगा जब जाके, तो भाई ये लगेगा सीधे जाके भाई कार ठोकना पड़ेगा हमको। और चलो ये गई भाई, कांच टूटा इसका। और ये फ्रैंकलिन ने भाई, इसने ना माइकल ने भाई बैंड बजा के रखी है इस फ्रैंकलिन की। मिस्टर सेमी, इट्स नॉट एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स। भाई इसका कार का नंगा चुंबर बना के रखा है। और ये फ्रैंकलिन को भाई इसने माइकल ने दिए कुछ पैसे और बोला भाई तू निकल इधर से। भाई ये बंदा इसको मारेगा क्या? अबे गंजे भाई, इस गंजे को मारना पड़ेगा यार। ये माइकल को मार रहा है भाई, मार भाई मार मार पूरी मार मार इस गंजे को। भाई गंजे की ऐसी कैसी भाई, ये ले भाई इस गंजे का नाम मैं छोड़ दूंगा भाई इसका। भाई इसको मार, ओ भाई साहब कितना तगड़ा मारा है भाई इसने। भाई उसके ना पूरा गेट उछाड़ दिया भाई। ओ ये कर दिया भाई, कितना तगड़ा लगाया होगा इसको।
भाई चलो यार, इस गंजे से बात तो हमारी हो गई है बाकी की। ये फिर भी भाई बढ़िया है, हम फ्रैंक देख सकते हो, ये माइकल में स्विच हो चुके हैं भाई, ये बढ़िया है यार। अब माइकल को इस पास भी जा सकते हैं और बाकी के हमारे फ्रैंकलिन के पास भी जा सकते हैं। तो चलो यार माइकल के सबसे पहले तो घर चलते हैं और उसके बाद देखते हैं भाई कुछ मिशन और होगा तो भाई उसको पूरा करेंगे। भाई सबसे पहले तो चलना है हमको, एक कार लेना पड़ेगा भाई सबसे पहले तो, हमको ये वाली कार उठा सकता हूँ भाई इधर, ये कार ले लेता हूँ एक। चलो ये वाली कार ले सकते हैं। चलो यार इसकी कार लेके मैं निकल चुका हूँ इधर से, और बाकी के हमको जाना है डायरेक्ट भाई माइकल के घर। चलो यार डायरेक्ट मैं माइकल के घर ले जाता हूँ और बाकी के आपको भाई फटाफट से पहुँच के बता दूँ। भाई ये खतरनाक चल रहा है भाई GTA 5, इसमें ना कार चलाने का अलग ही मज़े है भाई। बाकी के यार स्पीड कार होती ना मेरे पास, स्पीड वाली अच्छी खतरनाक भाई स्पोर्ट कार होती उसमें मज़ा आता भाई रोड पर चलाने में। बाकी देख सकते हो ये वाली कार तो भाई फिर भी मतलब ठीक ठाक है यार, उतनी अच्छी नहीं है। हमको एक कार भी लेना पड़ेगा भाई तगड़े तरीके से, उसके लिए भाई पैसे भी चाहिए पड़ेंगे। तो पैसे भी भाई हमको भाई कमाने पड़ेंगे या फिर चोरी करने पड़ेंगे भाई, दो चीज़ में से एक चीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि GTA 5 में अगर चोरी नहीं करी आपने तो आपको पैसे तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले, क्योंकि अगर आज सही काम करके ना थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे। भाई ठुक जाता अभी कार में भाई, इधर से निकलना पड़ेगा। सबसे पहले हमको माइकल के घर जाना है और माइकल के घर जाके शायद से थोड़ा बहुत काम होगा भाई। सबसे पहले तो माइकल तो भाई एक जिम्मी है ना भाई, ये बंदा जिम्मी ना हर कुछ काम करते रहता है, जिम्मी ने भाई घर पे शायद से वो अकेला होगा तो जाना पड़ेगा सबसे पहले तो। ये बंदा ने दिन भर भाई मोबाइल में लगा रहेगा या तो फिर गेम खेलते रहेगा, तो सबसे पहले हमको भाई घर जाना पड़ेगा और घर जाके देखना पड़ेगा भाई क्या सीन है। भाई चलो यार माइकल के घर तो आ चुके हैं भाई, इसके पास गन भी है एक वैसे तो, माइकल के पास हाँ गन तो वैसे रखता ही है। चलो यार अंदर चलते हैं फटाफट से, अंदर क्या सीन है भाई, इतनी शांति से जा रहा है वैसे थी ये। भाई इधर ना फाइट ही हो रही है भाई, ये माइकल की साइड से एक वाइफ है और ये उसकी बेटी है साइड से, और माइकल बेचारा भाई परेशान हो गया भाई इन दोनों से। भाई देख सकते हो बढ़िया अपना भाई ड्रिंक करते आ रहा है और बाकी के भाई सिगरेट भी पी रहा है भाई। ये बंदा ना अपने मज़े में भाई, तुम्हारे भाई ऐसी टेस्ट कराओ सारे सारे भाई, अपने मज़े में ये बैठ चुका है इधर। बाकी कार में कान में एयरफोन डाले हैं इसने और बाकी बैठा है अपना म्यूज़िक सुनेगा भाई, इसको कोई टेंशन ही नहीं है भाई, अपना करते रहो भाई। ये परेशान हो गया बेचारा, बढ़िया अपना बैठा आराम से भाई। सब ये फ्रैंकलिन कहाँ से आ गया भाई, अच्छा वाला बेचारा बैठा था, ये फ्रैंकलिन आके इसको परेशान कर दिया। आप पता नहीं क्या बोलेगा ये। What do you want? Man, I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. भाई इसको क्या काम है भाई, बैठ जा भाई। You ain't gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. We're taking my wife's car. चलो भाई कार में बैठ। जिमी का कॉल आ रहा है वैसे तो भाई, मेरी फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है, बाकी फ्रैंक के जिमी का फोन आ रहा है, क्या बोलता है ये? I'm going for a drink. Dad, shit. I mean our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? भाई ये ना जिमी को पूरी बात बता चुका है भाई, अभी बात हो रही है। I know you didn't want it sold, but I need money and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. भाई ये जिमी ना मुसीबत में फंस चुका है, हम जाते हैं फटाफट से जिमी को बचाना पड़ेगा भाई, ये ना कुछ बोट के चक्कर में फंसा हुआ था। चलो यार फटाफट से चलते हैं इसको भाई, देखते हैं भाई ये जिमी ना क्या मुसीबत में फंस चुका है भाई। सबसे पहले चलता हूँ भाई, फटाफट से बचाना पड़ेगा वहाँ की, ये बीच में वैसे तो अपने यार फटाफट से जिम्मी के पास चलते हैं, क्योंकि भाई जिम्मी ना कुछ मुसीबत में है और बाकी यार वो बंदा बोल रहा था कि सिप वगैरह इंस्टॉल हो रही थी भाई एक ट्रक में, तो उसमें ही भाई सिप में है वो। देख सकते हैं भाई फटाफट से चलते हैं और बाकी यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, क्या ही कार चल रही है। चलो यार फटाफट से जिम्मी के पास पहुँचते हैं पहले और उसके बाद देखते हैं भाई क्या सीन होता है। भाई ये रही हमारी बोट है, ये जा रही है बाकी के, उसको पकड़ना पड़ेगा भाई फटाफट से भाई। बोल रही बोट भाई ट्रक में जा रही है, बोट ट्रक में जा रही है ना भाई उसी जगह पे, बाकी इसको फटाफट से हमको पकड़ना पड़ेगा। We got a plan? Sure. Once I get us up close, you're the boarding party. More like the fall of your भाई इसमें जाना पड़ेगा भाई, ये चढ़ेगा साथ से भाई, ये फ्रैंकलिन चढ़ेगा, हमको पहले इसके पीछे लगाना है और बाकी ये फ्रैंकलिन चढ़ जाएगा भाई इस मोड में। अब फटाफट से आते हैं, चढ़ जा भाई चढ़ जा चढ़ जा, ये चढ़ गया भाई फ्रैंकलिन चढ़ चुका है बाकी इसमें। अब देखते हैं भाई ये भाई साहब भाई बच गया भाई, गिरते गिरते बचा है भाई फ्रैंकलिन।
बाकी की हमारी कार टूट चुकी है भाई, देखना पड़ेगा फटाफट से जाना पड़ेगा उसके पास। भाई इसके पास गन भी नहीं है यार, निकाल कर आया वैसे निकालनी भाई इतने गन, अब इसको मारना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा यार भाई, इसको मारा मैंने, ये बच गया भाई, नहीं तो फ्रेंकलिन को गिरा देता भाई ये। हाँ फटाफट से मेरे को आगे बढ़ाना पड़ेगा भाई, जिम्मी को बचाना पड़ेगा यार हमको, तो पहले इधर से निकलता हूँ मैं भाई। जिम्मी तो हमको मिल चुका है वैसे तो, वो रहा भाई जिम्मी, भाई साहब ये गिरा भाई जिम्मी, भाई ये लटक चुका है पूरा बोर्ड पे भाई, ये बंदा ना क्या क्या करता रहता है, पहले से इसको बचाना पड़ेगा हमको। आ गया भाई कार में डायरेक्ट गिरा ये, इसको बचाना पड़ेगा भाई साहब, हमारी कार पूरी बोल चुकी है। You better hope she's still seaworthy. Oh, keep it cool. भाई फटाफट से चलते हैं भाई, बस हमको फ्रैंकलिन को और बचाना है, बाकी हमारी कार में से धुआं निकलने लगा है भाई, खराब ना हो जाए भाई बीच में। भाई फटाफट से इसके पास पहुंचते हैं और बाकी हमारे अमर फ्रैंकलिन को भाई बचाना पड़ेगा। ये रहा भाई, इसके पीछे लगाते हैं ये फ्रैंकलिन, ठीक हो जाएगा। कुंजा भाई कुंजा 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 भाई, ये बच गया फ्रैंकलिन, बाकी को फटाफट से इसको भी रोकते हैं भाई, बोट को, भाई बोट को ना रोकना पड़ेगा हमको, बाकी हमारी कार से भाई बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। ओ भाई साहब हमारी कार खराब हो चुकी है, ओ भाई पूरी कार खराब हो चुकी है हमारी। भाई ये साहब हमारी कार खराब हो चुकी है, मेरे को नहीं लगता भाई उस बोट को हम पकड़ पाएंगे, तो हमको लौट को जाना पड़ेगा भाई, नहीं तो इधर से ही ना तीनों को तीनों पैदल जाना पड़ेगा भाई तीनों को। ये हम चलते भाई फटाफट से भाई, सबसे पहले इस कार को रिपेयर करवाना है यार, उसके बाद इसकी भाई बोट है ना जिसने चोरी करी है उसको देखना पड़ेगा भाई। भाई ये जिम्मी लगा पड़ा था भाई बोट के पीछे, भाई ये बंदा भाई क्या क्या करने लगा भाई। चलो यार फटाफट से हम गैराज पे पहुँचते हैं और उसके बाद देखते हैं भाई इस कार में क्या काम करवाना है, क्योंकि भाई ये ना कार पूरी डैमेज हो चुकी है और भाई इसमें से धुआं निकल रहा है भाई, अभी फट ना जाए ये कार, बस इसको फटाफट से भाई हमको गैराज लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा भाई क्या सीन होता है। चलो यार फटाफट से चलते हैं, चुप हो जा भाई जिम्मी, कभी माइकल उतर के ना जिम्मी के मुंह में दो घूंसे देगा, अभी चुप हो जाएगा बिल्कुल। कार में बैठा है भाई, मुंह चलाने को लगा पड़ा है, सबका कांड ना इसकी वजह से हुए सारे सारे। भाई ये आ गए हमारा गैराज, उसके बाद देखते हैं भाई क्या सीन है भाई इसमें, भाई हमको ना कार रिपेयर करवाना पड़ेगा भाई। चलो माइकल को इधर ही उतरना पड़ेगा, क्योंकि ना इसको माइकल को ना टैक्सी पकड़ के जाना पड़ेगा और बाकी के ना इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा फ्रैंकलिन को, और भाई जिम्मी है ना फ्रैंकलिन के साथ ही रहेगा अभी। चलो भाई ये माइकल जा रहा है भाई अपनी टैक्सी पकड़ के, और बाकी के हमको जो काम करवाना है भाई इस कार को रिपेयर करवाना है वो करवाते हैं। तो चलो यार कार को हम फटाफट से अंदर लेके चलते हैं और हमको क्या क्या काम करवाना है वो देखना पड़ेगा भाई। मैं सोच रहा हूँ ना इस कार को थोड़ा मॉडिफाई करवाते हैं और भाई खतरनाक तरीके से बनवाते हैं, उसके बाद जो भी काम होगा ना भाई कार में वो देखना पड़ेगा भाई। तो चलो यार फाइनली हमने कार तो भाई पूरी पूरी रेडी करवा चुके हैं, बाकी यार देख सकते हो कितनी खतरनाक लग रही है फिर भी कार भाई ना, मैंने पूरे स्पोर्ट लुक में डाल दिया, बाकी पीछे देख सकते हो ये सब सारी चीज़ें, और इसकी स्पीड और ब्रेक है ना भाई बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में आ चुके हैं, और इसका साउंड सुनो भाई फिर भी भाई तगड़ा हो चुका है, फिर भी देख सकते हो भाई साउंड बहुत ही तगड़ा करवा दिया सारी चीज़ें। बाकी चलते हैं भाई माइकल के घर पे भाई फटाफट से, क्योंकि भाई इस कार को ना बनवा दिया है हमने, और स्क्रैच नहीं मारने भाई अभी की अभी मैंने कार करवाई। और भाई एक चीज़ देख सकते हो भाई, अभी ना ये देख सकते हो पूरा कार अपनी स्पीड में लेकर भाई पूरा आग लेकर रही भाई पीछे से भाई, मजा आ जा रहा है भाई सारे सारे भाई, ये ना खतरनाक तरीके से लग रही है पूरी कार। और चलते हैं भाई फटाफट से माइकल के घर पे, वहाँ की जिम्मी भाई ये कांड करता है ना अगली बार इसने कुछ कहा भाई सब मेरी हेडलाइट टूट गई भाई। चलो यार माइकल बनवा के रहेगा, वैसे तो ये माइकल की कार है, चलो फटाफट से हमको ये देना है और फटाफट से लगाते हैं। ये सारे ना ट्रैफिक का भाई रेड लाइट का इंतजार कर रहे हैं कि रेड लाइट सब ग्रीन होगी और बाकी की जाएंगे भाई ये सारे सारे, बाकी हम तो भाई रेड लाइट की नहीं रोकने वाले हैं, क्योंकि भाई अगर GTA में आना हेड लाइट की वजह से रोकेंगे भाई हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा। इधर से सबसे फटाफट से निकलते हैं और फटाफट निकलते हैं भाई हमारे माइकल के घर पे। चलो यार माइकल के घर पे भाई मैं मिलता हूँ आपको भाई। चलो यार मैं फटाफट से भाई माइकल के घर पे पहुंच चुका हूँ और बाकी के चलो यार अंदर चलते हैं और माइकल की कार को भाई इधर पूरा पूरा लगाते हैं। तो चलो यार मैंने तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुका हूँ, बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में भाई, बाकी ना बहुत ही ज़्यादा मजे आने वाले हैं भाई। जो भी बंदा भाई GTA 5 की वीडियो और पसंद करता है प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार जो भी बंदा है फटाफट से, और बाकी GTA 5 की वीडियो तो आने वाली है और PC गेम भी बहुत सारे आने वाले हैं। तो वैसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।